हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। वैसे तो सभी जनप्रतिनिधियों में ये विशेष गुण है कि लॉकडाउन के दिनों में एक साबुन बांटकर 10 फोटो खिंचवा लें, लेकिन एक गरीब असहाय की फरियाद सुनने को कोई तैयार नहीं। मुकेश लाल पिता स्वर्गीय उपेंद्र लाल, घर जाफरा जिला दरभंगा, डाक सन की। जब से लॉकडाउन है उसी समय से ये लोग विक्रम बंगला के पास फंसे हुए हैं। इनके पास ना तो खाने के लिए खाद्य सामग्री है और ना ही इसके पास पैसा है। ग्रामीणों ने उन्हें इकट्ठा करके खाने का राशन प्रबंध कराया। इनकी आंखें तरस गई है अपने घर परिवार को देखने के लिए। उन्होंने बताया कि झाड़ फूक का काम करते थे, झाड़ फूक करने के लिए कुछ लोग बुलाए थे, आने के बाद कोरोना वायरस के चलते जाने में असमर्थ रहे। मुकेश लाल ने बताया कि मेरे पास खाने के लिए खाद्य सामग्री भी नहीं है और एक छोटा बच्चा भी है। मुकेश लाल ने बताया कि हम अपने घर दरभंगा जाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पटना को रेड जोन घोषित होने के कारण गाड़ी भी नहीं चल रही है, जिसके कारण बाहर से आए हुए परदेशी को काफ़ी दिक्कत हो रही है। विक्रम से नीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या समस्या है आपको? खाने का है, परदेशी फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, जब से यहाँ लॉकडाउन है वहाँ से फंसे हुए हैं। खाने पीने का तो है, तेल साबुन का जो है ये सबका, तो बीच में आकर के मालिक भी आता है, मजदूर मालिक बोलता है पैसा दे तो इन खाने, फिर बाकी जो है गांव वाला का सहयोग किए मालूम हुआ, सहयोग किए हर चीज़ से, खाना पीना हर चीज़ से सहयोग किया हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश लाल है, ग्राम जाफरा कौशल की जिला दरभंगा थाना सदर। समस्या हुई है, तकलीफ है खाने पीने का, हर चीज़ का, तेल साबुन का सब चीज़ है। बच्चे मेरे पास में छोटे बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है वही तो। ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं ना? जी जी कर रहे हैं, जी कर रहे हैं, ग्रामीण सहयोग किए हैं, चावल वालों को सहयोग है। अभी आपको क्या समस्या हो रही है? वही समस्या जो है घर का परिवार का लेकर विक्रम बंगला, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, दरभंगा से। हाँ, हम लोग अपना ग्राम से राशि जो है और अनाज वगैरह इनको खाने पीने के लिए मैंने प्रबंध कर दिया, मानवता के नाते इनको हम लोग किया। हालांकि निदान हो सकता है फिर हम लोग उपाय करेंगे आपस में, और नहीं तो एप्लीकेशन जो करके सरकार के यहाँ जा भी सकते हैं, व्यवस्था करेगी।